वेलकम टू यूट्यूब चैनल अनअकैडमी लाइव आईआईटी एग्जाम। सो मैं हूं आशीष कुमार गर्ग, आप सभी के सामने आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आ रहा हूं जिसकी डिमांड बहुत दिनों से थी। सर आप बताइए कुछ डेटा साइंस के बारे में, डेटा साइंस क्या है और डेटा साइंस से एमएससी कैसे कर सकते हैं, डेटा साइंस में क्या करियर अपॉर्चुनिटी और कहाँ कहाँ से हम एमएससी कर सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, उन सारी पॉसिबिलिटीज़ के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं हूँ एजुकेटर ऑन अकेडमी प्लस आशीष कुमार गर्ग, आई आई टी मैथमेटिक्स एंड आई आई टी स्टैटिस्टिक्स। और जो डेटा साइंस है, डेटा साइंस का नाम आज की तारीख में सभी ने सुन लिया है कि सर डेटा साइंस में जॉब मिलती है बढ़िया, तो सभी लोग डेटा साइंस की मूव कर रहे हैं। बट एक्चुअल डेटा साइंस अभी मतलब बच्चों को बहुत सारी चीज़ पता नहीं है, बहुत सारे डिप्लोमा कोर्स कर लेते हैं, कुछ छोटे मोटे कोर्स कर लेते हैं और एक चीज़ और भी है, जॉब भी मिल जाती है। बट मेन थिंग इज कि जॉब अच्छी मिले और हमें अच्छी नॉलेज हो डेटा साइंस के बारे में, क्योंकि दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट कैरियर ऑप्शन नाउअडेज और ये आगे जाकर फ्यूचर में एक बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो एमएससी इन डेटा साइंस है, इसका इंडिया में एकमात्र इंस्टीट्यूट है जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है और जो वर्ल्ड का टॉप इंस्टीट्यूट आता है इंडिया में, वहाँ से आप एमएससी इन डेटा साइंस कर सकते हैं। और इंस्टीट्यूट का नाम है चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट CMI। CMI का नाम ही काफ़ी है। अभी तक हम लोग जो पढ़ाई करते हैं, हम लोग पढ़ाई करते हैं IIT JAM की, IIT की, हमें IIT में जाना है। तो IIT अच्छा इंस्टीट्यूट है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर जो CMI है वो IIT का भी बाप है। मेरी बात समझ रहे हो, CMI इज IIT इज फादर। सो CMI इज द वर्ल्ड लीडिंग इंस्टीट्यूट इन मैथमेटिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड जो जिस फील्ड में भी वो कराता है, तो CMI अपने आप में एक टॉप इंस्टीट्यूट है। तो अगर आपको मतलब जानना है कि CMI क्या है और CMI क्या क्या कोर्स कराता है और CMI में डेटा साइंस क्या है, उसके लिए आप मेरे आज वाले सेशन में लाइव आ सकते हैं। जो भी स्टूडेंट लाइव है वो एक बार ग्रुप में डाल दे, जो भी स्टूडेंट आना चाहते हैं फटाफट लाइव आ जाए। देखिए CMI, मैं पहले आपको CMI के बारे में थोड़ा सा एलोबरेट कर देता हूँ, फिर मैं अपनी पूरी बातें थोड़ा बताऊंगा आपको थोड़ी सी कि क्या क्या हम करने जा रहे हैं आगे और CMI में हमें एडमिशन कैसे मिलेगा। देखिए जो CMI है, पहली बात तो इंडिया में बहुत सारे डेटा साइंस के कोर्स हैं। डेटा साइंस क्या है ये बताऊंगा अभी मैं आपको, डेटा साइंस क्या है पहले बता देता हूँ कि डेटा साइंस में कोर्स क्या क्या है। जो इंडिया में कोर्स हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं आजकल डेटा साइंस में, बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट ने डेटा साइंस खोल दिया। मतलब आजकल तो ये कह रहे हैं जैसे सब्जी की दुकान लगा देते हैं, ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूटों ने डेटा साइंस की लाइन लगा रखी है। पर क्या वो डेटा साइंस सिखाते हैं एक्चुअली? क्वेश्चन इज मतलब 90% वो डेटा साइंस नहीं सिखाते। एक्चुअली डेटा साइंस है क्या, अगर कोई मेरे से पूछे व्हाट इज डेटा साइंस, सो डेटा साइंस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। स्टूडेंट कुछ लैगिंग आई है क्या? जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट। गुड इवनिंग टू ऑल, जस्ट ए मिनट, मैं जरा एक बार चेक कर रहा हूँ लैगिंग है क्या। कुछ मुझे लग रहा है कि अभी किसी ने मुझे मैसेज करा है कि देयर इज सम लैगिंग। नो लैगिंग नहीं है, सॉरी। सो सभी को मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर? ऑडियो वीडियो इज प्रॉपर? किसी को कोई प्रॉब्लम? यस, माई ऑडियो वीडियो इज प्रॉपर? यस। बफरिंग हो रही है? ओके, आई थिंक अब बफरिंग नहीं हो रही, बीच में कुछ थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन का कुछ प्रॉब्लम होगी, मे बी समटाइम इट हैपन। बट तो जो CMI बेसिकली डेटा साइंस क्या है, आज की दुनिया में हम जो काम कर रहे हैं मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर साइंस का कॉम्बिनेशन है डेटा साइंस। डेटा साइंस में हम क्या करते हैं, हम आजकल जितने भी डेटा, जो भी डेटा हमारे पास इस समय, आजकल ऑनलाइन का जमाना हो गया है तो हमारे पास डेटा बहुत ज़्यादा है, और डेटा
ज्यादा होने के वजह से हमारे पास एक बिग डेटा की प्रॉब्लम आई है। बिग डेटा मतलब कि हमारे पास बहुत बड़ा बड़ा डेटा है। बेसिकली जैसे अपन अकेडमी पे आप पढ़ रहे हो तो यूट्यूब का आप देखिए कितना बड़ा डेटा है, यूट्यूब पर बहुत बड़ा डेटा है, सही है। मैं सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, एक एक लाइन बताऊंगा, जरा पहले मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। पहले मैं अपने क्वेश्चन क्लियर कर दूं, अपने बारे में बता दूं, सारा बता दूं, उसके बाद आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो डेटा साइंस में हमारे पास डेटा यूट्यूब का डेटा है, बहुत बड़ा डेटा है यूट्यूब। यूट्यूब पर कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। अब इसे किसी तरीके से मैनेज करना, इस डेटा को सही से रखना, डेटा में कोई प्रॉब्लम्स ना आ जाए, डेटा से यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालना। मान लिया आप जब सर्च करते हैं, आप सर्च करते हैं, मान लिया आपने कहा कि मुझे लीनियर अलजेब्रा पढ़ना है, तो लीनियर अलजेब्रा के बेस्ट लेक्चर फिल्टर आउट हो जाना, सही है। आप जो देखते हैं, जैसे आप मैथमेटिक्स देखते रहते हैं, सभी को जवाब दूंगा रुकिए, आप जब मैथमेटिक्स देखते रहते हैं तो आपको मैथमेटिक्स का यूट्यूब पर बार बार नोटिफिकेशन आता रहता है। आप अमेजन पर सर्च करते हैं कि मुझे बुक चाहिए, तो आपको फेसबुक पर, आपके बहुत जगह डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर वही बुक दिख जाती है, दिखती रहती है जब भी आप मोबाइल या लैपटॉप ऑन करते हैं, आपके जीमेल पर नोटिफिकेशन उसी बुक का आ जाता है। सो व्हाट इज दिस, व्हेनेवर यू हैव अ डेटा एंड वी हैव डेटा ऑफ बिग डेटा एंड इस बिग डेटा को एक तो करना है मैनेज, हाउ टू मैनेज ए बिग डेटा। मान लिया मेरे पास बहुत सारा सामान है, उसे मैनेज कैसे करें, अरेंज कैसे करें, और इस मैनेज करने के बाद इससे यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालने को ही कहते हैं हम डेटा साइंस। यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालने को हम कहते हैं डेटा साइंस, ठीक है। जैसे मान लिया मेरे पास कोई भी डेटा है, कोई भी डेटा मतलब मेरे पास हमारे पास आजकल स्टूडेंट क्या करते हैं कि आजकल सबका ना आजकल सेल्फी लेते हैं, सेल्फी लेके डाल देते हैं। जैसे कहीं टूर पे जाते हैं तो फेसबुक कह देते हैं आई एम हेयर, स्टेटस डालते हैं स्टेटस, है ना, अपने अपने इंस्टाग्राम पे स्टेटस डालते हैं, तो इंस्टाग्राम भी बहुत सारा डेटा इकट्ठा हो जाता है। तो आजकल सब लोग अपने स्टेटस डालते हैं, एक साल में टूर पे कहाँ जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, कैसा क्या कर रहे हैं, क्या क्या एक्टिविटी करी। फ्यूचर में एक दो साल का डेटा इकट्ठा करने के बाद गूगल आपको ये बता सकता है कि आप नेक्स्ट टूर कहाँ पे जाएंगे, आप नेक्स्ट परचेजिंग क्या करेंगे। आपने देखा होगा डोमिनोज आपके पास कूपन भेजता है, कूपन क्यों भेजता है कि वो ये सर्च कर लेता है आपके डेटाबेस से कि आप ज्यादातर क्या खाना पसंद करते हैं, आपने डोमिनोज का पिज्जा कितनी बार लिया है। तो मतलब जो डेटा ऑनलाइन हो रहा है, आप जब भी कोई मोबाइल में ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपसे आपका डेटा कहता है कि हम आपके कॉन्टैक्ट को एक्सेस कर सकते हैं, हम आपको मैसेज को पढ़ सकते हैं, हम आपके मेल को पढ़ सकते हैं, हम आपके प्राइवेट डेटा को पढ़ सकते हैं, आपके फोटो को एक्सेस कर सकते हैं, पर हम उसका मिसयूज नहीं करेंगे। उससे वो अपना सेलिंग, अपने को आपके डेटा को खुद आपको सेल करता है, या फिर जो भी आपका डेटा है उसे सेल करना, उससे यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालना और अपना फायदा करना, आपका लॉस नहीं करना बट अपना फायदा करना, उसे डेटा साइंस है। उसके अंदर जैसे मैं आपको बताऊं, आज से अगर आप लगभग 15 साल पहले की बात करें, 2008-2007 की, उस समय जीमेल के अंदर इनबॉक्स आता था, कभी ऐसा ऑप्शन नहीं आता था प्रमोशन, अपडेट्स, सोशल, इस टाइप के ऑप्शन नहीं आते थे, क्योंकि हमारे पास उसमें डेटा बिग नहीं था, हमारे पास इतना बड़ा डेटा नहीं था, इतना ज़्यादा ऑनलाइन काम नहीं चलता था। बट नाउडेज जो भी कोई काम है, ठीक है, कोई भी प्रमोशन है किसी फ्लिपकार्ट का, अमेजन का, या आपके क्रेडिट कार्ड का, वो सब मेल पे भेज देते हैं। तो मेल पे मान लिया इनबॉक्स के अंदर आपने इतना सारा मैसेज भेज दिया जिस मैसेज का हमें यूज भी नहीं है, तो क्या होगा, उस डेटा से फायदा होगा मुझे कुछ, उस डेटा से तो मुझे कुछ फायदा होना ही नहीं है, और मेरी इंपॉर्टेंट जो यूजफुल इंफॉर्मेशन थी वो छुप गई बीच में। तो हमें वो डेटा को फिल्टर करना है, हमें ये पता लगाना है कि ये मैसेज फेसबुक से आया है, ये हमारे काम का है क्या नहीं है, ये अपडेट्स के अंदर आएगा या स्पैम के अंदर आएगा। तो जीमेल ने भी वो टेक्निक डेटा साइंस के लगा दी है, ये डेटा साइंस की टेक्निक को कहते हैं मशीन लर्निंग। तो डेटा साइंस आज के समय में उभरता हुआ फील्ड है, जिस फील्ड में मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट जो एमएससी मैथ कर रहे हैं, क्योंकि पहले बच्चे ये कहते थे, सब कहते थे, पड़ोसी पूछता था क्या कर रहे हो, सर हम भैया हम एमएससी मैथ्स कर रहे हैं, हम बीएससी मैथ्स कर रहे हैं, कहते अच्छा ठीक है कर लो। बीटेक की वैल्यू ज्यादा थी, पर आज की तारीख में आप देखेंगे कि बच्चे बीटेक करने के बाद भी एमएससी मैथ और स्टैट कर रहे हैं। मेरे पास इतनी सारी क्वेरी आ रही है कि बीटेक के बाद क्या एमएससी मैथ्स कर सकते हैं, एमएससी स्टैट्स कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता लग रहा है कि आजकल डेटा साइंस में बहुत ज्यादा स्कोप। तो मैथमेटिक्स वालों, जिन्होंने मैथमेटिक्स बहुत डीप पढ़ी है, जो पढ़ रहे हैं, जो आईआईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, जो कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं,
उनके लिए आने वाले 20 से 30 साल बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है डेटा साइंस के फील्ड में। तो इस डेटा साइंस में जो फील्ड है, इसकी अपॉर्चुनिटी के लिए इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में प्राइवेट यूनिवर्सिटियों ने दबदबा बना रखा है। बहुत सारे कोर्स आ चुके हैं, जैसे आप देखेंगे कुछ एक कंपनी है अपग्रेड, अपग्रेड का कोर्स आ चुका है डेटा साइंस में। कोई कह रहा है सर लिवरपूल यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी है विदेश में, उसका ऐड आ रहे हैं। कोई कह रहा है कोर्स एरा के नाम से एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पे डेटा साइंस के कोर्स हो रहे हैं। देयर आर लॉट ऑफ कोर्स ऑफ डेटा साइंस इन दिस वर्ल्ड, जहां पर हम डेटा साइंस की नॉलेज ले रहे हैं, डेटा साइंस को गारंटी देते हैं, कहते हैं कि आप अगर डेटा साइंस हमसे करोगे तो आपको जॉब मिल जाएगी। देखो ये बात तो है कि डेटा साइंस में जब डिमांड इतनी है तो जॉब तो मिल ही जाएगी, पर क्या आपको डेटा साइंस की एक्चुअल नॉलेज आएगी? देखो हम किसी चीज को पढ़ते हैं, हम दो तरीके से पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं डेटा साइंस को ऊपर ऊपर से मतलब दैट इज बेसिक। हम कुछ एल्गोरिथम पढ़ लेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे और कह देंगे कि हमें डेटा साइंस आ गया। मान लिया आपसे कोई कहने लगे व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, आपको मीन, मीडियन, मॉड, वेरिएंस और बेसिक पता है कैसे अप्लाई करते हैं, यू नो हाउ टू अप्लाई। सो कंपनी में जाओगे, कंपनी कहेगी अप्लाई करना आता है, ये आता है, तो कंपनी आपको 6 से 8 लाख का पैकेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी आपको सिखा देंगी और 6 से 8 लाख का पैकेज आप ले जाओगे, आपको आराम से जॉब 6 से 8 लाख की मिल जाएगी। पर मेरा कॉन्सेप्ट यह है कि क्या आप 6 से 8 लाख से लेकर 50 लाख तक की जॉब लाने में आपको 10 साल लग जाएंगे? 10 साल में आपको वो सारी रिग्रेस मैथमेटिक्स, वो सारी रिग्रेस स्टैटिस्टिक्स, वो सारी रिग्रेस पाइथन आपको पढ़नी होगी, ठीक है? तो आप 10 साल में 50 लाख के पैकेज के लिए एलिजिबल होंगे। पर कुछ स्टूडेंट हमारे ऐसे हैं जो बहुत इंटेलिजेंट हैं, जिन्हें मैथ बहुत अच्छी आती है, स्टैट बहुत अच्छी आती है, या खाली मैथ आती है, खाली स्टैट आती है, कंप्यूटर साइंस आती है, उनके लिए भी ठीक है। उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी पर ध्यान नहीं देना चाहिए। देखिए, हमें डिटेल्ड कोर्स ऑन डेटा साइंस पढ़ना है, डिटेल्ड कोर्स ऑन डेटा साइंस है वो आज मैं आपको बता दूं, इंडिया में कोई नहीं पढ़ाता एक्सेप्ट CMI। CMI एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट। इसने लगभग 3-4 साल पहले इसने अपना MSc इन डेटा साइंस, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, ठीक है, CMI, इसने अपना कोर्स चालू करा है, ठीक। ये कह रहा है कि मैं आपको एडमिशन दे दूंगा अगर आपका बैकग्राउंड, मैथ का या फिर स्टैट का या फिर CS का है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, कोई बच्चा ये पूछ रहा है सर हमें मैथ्स आती है, CS नहीं आती, क्या हम एलिजिबल है डेटा साइंस के लिए? यस। देखो होता क्या है कि सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट चाहिए मुझे CMI में एडमिशन लेने के लिए, किसी भी डेटा साइंस के लिए, मैथ, स्टैट थोड़ा बेसिक आएगी, फिर एडवांस आप पढ़ लेंगे, स्टैट आ जाएगी। कंप्यूटर साइंस का तो लगाते हैं फ्लेवर, जैसे हम आम का जूस पीते हैं, जब हम मैंगो शेक पीते हैं तो मैंगो शेक के ऊपर क्या लगाते हैं, चेरी लगा देते हैं फ्लेवर के लिए। मेरी बात समझ रहे हैं? चेरी लगा देते हैं डिटेल उसके लिए, फ्लेवर के लिए, ठीक है। ऐसी कंप्यूटर साइंस पाइथन का फ्लेवर लगाते हैं, बहुत डिटेल में नहीं चाहिए हमें, पहले तो हमें स्ट्रॉन्ग मैथ और स्टैट चाहिए हमें डेटा साइंस के लिए, ठीक है। फिर हम उसे कैसे कोडिंग में करेंगे, वो चीज हम जल्दी 1-2 महीने में पाइथन सीख लेते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो जो CMI है, देखो आप कह रहे हैं IIT गुवाहाटी जो है वो करा रहा है, देखो IIT गुवाहाटी भी करा रहा है, मैं मानता हूं, पर जो CMI है वो डेटा साइंस में बहुत बड़ा एक्सपर्ट है, ठीक है। देखिए डेटा साइंस में बहुत बड़ा एक्सपर्ट है CMI, मैथ, स्टैट और पाइथन, इसका कॉम्बिनेशन करा रहा है आपको, पूरा डेटा साइंस प्रोजेक्ट के साथ करा रहा है। और ऐसा नहीं है IIT में अच्छा नहीं कराएंगे, कराएंगे, पर मेरा क्वेश्चन ये है, CMI इज बेस्ट फॉर डेटा साइंस नाउ इट इज इन इंडिया। नहीं, मैं आपको इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं थ्रू आउट वर्ल्ड की बात कर रहा हूं। अगर आप US की किसी यूनिवर्सिटी से भी MSc डेटा साइंस करते हैं, क्या उसकी वैल्यू ज्यादा हो? क्योंकि नाम ज्यादा है, पर जो एक्चुअल पढ़ाई होती है वो CMI ही करा रही है आज की तारीख में। तो CMI में एडमिशन लेना, CMI की जो एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी CMI ये कहता है कि मेरे पास या तो मैथ, स्टैट या कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड हो,
आपने बीएससी करी हो, बीएस करी हो, बीए करी हो या बीटेक करी हो, उसमें आपने कुछ ना कुछ पेपर मैथ स्टैट या कंप्यूटर साइंस या मैथ का पढ़ा हो या स्टैट का या कंप्यूटर साइंस या किसी एक का पेपर पढ़ा हो, तो आप हमारे यहाँ एलिजिबल हैं। आप आराम से एमएससी इन डेटा साइंस कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये इसकी एलिजिबिलिटी है। और सीएमआई के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो मार्च और अप्रैल अप्रैल में निकलते हैं। अभी तक सीएमआई के डेटा साइंस के फॉर्म आए नहीं है, जल्दी सीएमआई के डेटा साइंस के फॉर्म आ जाएंगे। ठीक है, इसकी एलिजिबिलिटी ये है। और सीएमआई का बस थोड़ा सा बात ये है, सीएमआई का जो चार्ज है वो 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज पर सेमेस्टर का चार्ज है, क्योंकि ये सेल्फ फाइनेंस कोर्स है। सीएमआई की कोई गवर्नमेंट नहीं दे रही पैसा, गवर्नमेंट नहीं कह रही कि आप 50 लाख का पैकेज किसी को दिलवा दो और फ्री में आप कोर्स करा दो, 5,000 रुपये महीना पे कोर्स करा दो, ऐसा नहीं है। आपको पे भी करना पड़ेगा। जब आप कंपनी आपको पैसा देती है, आप जैसे एमएससी मैथ्स करते हो तो जॉब ज्यादा नहीं होती है, तो आप रिसर्च का काम करते हैं तो गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है। पर जब आप पैसा कमाने वाला कोर्स कर रहे हो, जैसे आईआईएम से भी आप एमबीए करते हो, तो वहां पे भी फीस बहुत ज्यादा होती है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये सारी चीजें हमारे सामने आती हैं। 8 लाख रुपए का पूरा 2 साल का कोर्स है। पर एक चीज और है, सीएमआई ने ये भी कह रखा है, हम किसी को फाइनेंशियल बेस पर एडमिशन लेने से मना नहीं कर सकते सीएमआई में। मान लिया आप एक, आपके पास पैसा कम है, आपके फादर जो है उसकी इनकम कम है, फादर की इनकम कम है, तो आप सीएमआई में एज ए फीस वेवर का एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो आपकी फादर की इनकम के हिसाब से आपको सीएमआई में, आपको सीएमआई में छूट मिल जाएगी पैसों की, 40%, 50%, 60%, 100% फीस वेवर। ये सीएमआई ने अपने अपने ब्रोशर में लिख रखा है। ठीक है, तो सीएमआई की एलिजिबिलिटी पता लग गई, फॉर्म कब आते हैं, क्या फीस है। अब ये बात होती है कि सीएमआई की जो तैयारी कैसे करते हैं, एंट्रेंस होता है भाई इसका। देखो सीएमआई का अपना एक एंट्रेंस होता है, और ये एंट्रेंस जुलाई, जून जुलाई के मंथ में लेते हैं जनरली। अब कोविड है तो कुछ नहीं कह सकते, पर जून जुलाई में सीएमआई का एंट्रेंस होता है। ठीक है, आप इसमें दे सकते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी बीएससी फाइनल ईयर है, आपको एडमिशन तो मिलेगा नहीं, ऐसे कैसे मिल जाएगा? आपकी एलिजिबिलिटी बीएससी फाइनल ईयर है, जब भी तो एडमिशन मिलेगा, और खाली क्वालिफाई करके क्या करोगे। इसमें आता है बेसिक फंडामेंटल मैथ, बेसिक बीएससी वाला मैथ आता है। ठीक है, आप इसका सिलेबस देख सकते हैं। बेसिक प्रोबेबिलिटीज एंड स्टैट आता है, बेसिक प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट, बेसिक डिस्ट्रीब्यूशंस, इसके अंदर अगर आप देखेंगे बेसिक डिस्ट्रीब्यूशंस, एक्सपेक्टेशंस, वेरिएंस और थोड़ी थोड़ी बेसिक प्रॉपर्टीज आपके यहां से आती हैं। तीसरी, इसमें आपको सूडो कोड के बारे में पूछते हैं। सूडो कोड बनाने के लिए सी लैंग्वेज में, आप किसी भी लैंग्वेज में सूडो कोड बना सकते हैं, पर सी लैंग्वेज में पूछते हैं। तो मतलब अगर आप आईआईटी जैम की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ का लेवल तो आपका आईआईटी जैम से हो जाएगा। स्टैट पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा आपको स्टैट पढ़ना होगा और फिर आपको सी लैंग्वेज करनी होगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम तैयारी कैसे करें, सीएमआई की तैयारी कैसे करें। देखिए, सीएमआई की तैयारी के लिए आईआईटी जैम का मैथ में जो टॉपिक है, जो जो टॉपिक सीएमआई में है, वो आईआईटी जैम वाले टॉपिक आप आईआईटी जैम लेवल का आपको करना होगा। जो जो टॉपिक प्रोबेबिलिटी स्टैट के हैं, वो भी आपको आईआईटी जैम एमएस में से जो जो टॉपिक आपने, मान ली हमारे कोर्स हैं, किसी के भी कोर्स कहीं भी आप पढ़ रहे हो ऑल ओवर इंडिया में, तो आपको वो चीज करनी होगी। तो अब मैथ्स का जो जो पोर्शन सीएमआई का है वो वहां से कर लो जैम वाला, स्टैट का स्टैट से कर लो। जो सी लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज का ऐसा तो कोई कोर्स आपके पास है नहीं। ठीक है, सी लैंग्वेज की तैयारी कैसे करनी है? सी लैंग्वेज की तैयारी के लिए भाई ऐसा है कि मेरा भी अभी तक कोई कोर्स, मेरा कोई अलग कोर्स, पेड कोर्स कोई लॉन्च नहीं है अभी तक। सी लैंग्वेज तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी, सी लैंग्वेज की आपको प्रिपरेशन करनी होगी। जल्द ही कुछ दिनों बाद मैं एक कोर्स लॉन्च करूंगा सी लैंग्वेज के लिए, जो सीएमआई सी लैंग्वेज के लिए हम कोर्स लॉन्च करेंगे। ठीक है, सीएमआई के लिए, सी लैंग्वेज के लिए हम कोर्स लॉन्च कर सकते हैं जल्दी। तो आप बीएससी मैथ्स का हमारे आईआईटी एग्जाम वाले सिलेबस से उठा सकते हैं, बीएससी स्टेट वाला आईआईटी एग्जाम एमएस से उठा सकते हैं। ठीक है, जब तैयारी करेंगे, जिसकी क्वेरी होगी मैं उसे पूरा बता दूंगा तसल्ली से। सी लैंग्वेज के लिए एक अलग कोर्स लॉन्च कर देंगे, तो आपकी सीएमआई की तैयारी भी आप इजीली कर सकते हैं। बट सीएमआई का भी हम डायरेक्टली अब सी लैंग्वेज लॉन्च नहीं कर रहे, कुछ टाइम लगेगा, कुछ आपके रजिस्ट्रेशन देखेंगे, कितने रजिस्ट्रेशन, कितने स्टूडेंट आप कहते हैं, तो उसके हिसाब से हम आपको बनाएंगे कि ये हमारा कोर्स कब आने वाला है। ठीक है, तो आप मैथ स्टैट और कंप्यूटर साइंस के और प्रीवियस ईयर पेपर भी आप सॉल्व कर सकते हैं, या हम सीएमआई के लिए एक स्पेशल कोर्स भी लॉन्च कर सकते हैं, सीएमआई इन डेटा साइंस।
ठीक है, सीएमआई इन डेटा साइंस के लिए हम स्पेशल कोर्स भी हम लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। यस, किसी को कोई भी दिक्कत है, हमारे आईआईटी जैम के जो कोर्सेज हैं या हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वो टेलीग्राम ग्रुप का नाम है टारगेट आईआईटी जैम 2022। तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइए, इसका लिंक है t.me/IITJAM22। इसके अंदर आपको जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन या कोई भी आपको डाउट है वो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है भाई। इसमें बात समझ में आ गई, ये सारी बात है, ये तो हो गई सीएमआई के बारे में बात। जरा हम आपके कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, जो क्वेश्चन आपके हैं। अभी आपने कहा सीएमआई का डेटा साइंस करने के लिए कंप्यूटर कोर्स करना चाहिए। देखो, कंप्यूटर कोर्स करने की जरूरत नहीं है, आपको सी लैंग्वेज में जब आप कमांड करके आप पहुंचेंगे सीएमआई में, तो एक सी लैंग्वेज करने के बाद आपको पाइथन समझने में दिक्कत नहीं होगी। कंप्यूटर साइंस की नीड नहीं है, नहीं है, नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये एक बहुत बड़ा भ्रम है कि हमें कंप्यूटर साइंस पढ़ना पड़ेगा। नहीं, आप जो सी लैंग्वेज करेंगे, सी लैंग्वेज इज आल्सो मैथमेटिक्स, ठीक है। सी लैंग्वेज पढ़ने के बाद आप कंप्यूटर साइंस में आप क्या करेंगे, आप ऑटोमेटिकली सीएमआई आपको पाइथन कोर्स कराएगा, आपको ऑटोमेटिक पाइथन समझ में आएगी, इसलिए वो आपसे पहले ही आपके एंट्रेंस में सी लैंग्वेज पूछ रहा है। अगर आपको सी लैंग्वेज नहीं आती तो आप एलिजिबल ही नहीं है, ठीक है। तो सी लैंग्वेज तो पढ़ के जाएंगे, ठीक। क्या जिनका कंप्यूटर बैकग्राउंड नहीं है वो भी डेटा साइंस कर सकते हैं? भाई बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, जो बीटेक सिविल इंजीनियर, बीटेक मैकेनिकल, ये सब सब से डेटा साइंस में जा रहे हैं। मेरे भाई का दोस्त है बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर, नाउ ही इज वन ऑफ द कंपनी इन हैदराबाद, ही वो डेटा साइंटिस्ट है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यस, शिवा प्रीता मिश्रा, सर बीएससी फिजिक्स स्टूडेंट कैन डू बी डेटा साइंस? देखिए शिवा प्रीता, मैं आपको बता दूं, जो बीएससी फिजिक्स स्टूडेंट है, आप ये बताइए डेटा साइंस में डेटा कहां से कलेक्ट होता है? जीपीएस के थ्रू भी डेटा कलेक्ट होता है। जो उबेर, ओला या फिर जितने भी जीपीएस सिस्टम लग रहे हैं आजकल, जीपीएस सिस्टम बहुत जगह लग रहे हैं, ऐसा नहीं है उबर ओला में लग रहे हैं, बहुत जगह जीपीएस लगता है। तो जीपीएस का लोकेशन जियोग्राफिकल डेटा पे भी एनालिसिस करना पड़ता है, ठीक है, बहुत सारे काम करना पड़ता है। सिग्नल सिस्टम में तो वहां पर जहां पे फिजिक्स यूज होती है, वो स्पेशलिस्ट फिजिक्स वालों को भी हायर करते हैं डेटा साइंस में, ठीक है। अगर आप गूगल की बात करें, गूगल फिजिक्स वालों को स्पेशली डेटा साइंस में हायर करता है स्पेशल पोस्ट के लिए, तो आप कर सकते हैं। यस सर, आईआईटी गुवाहाटी में भी डिटेल्ड कोर्स होता है, वहां पर भी होता है, पर सीएमआई इज बेस्ट। सर प्योर मैथ्स या अप्लाइड? देखिए आप प्योर करें, मैथ्स अप्लाइड करें। जब आप प्योर और मैथ पूरा अप्लाइड दोनों कर लेंगे, क्योंकि ऐसा होता है नहीं खाली प्योर ही पढ़ते रहेंगे, बीएससी में प्योर ही पढ़ा है, अप्लाइड ही पढ़ा है, आईआईटी में प्योर ही पढ़ा है, अप्लाइड ही पढ़ा है। जब आप दोनों कोर्स कर लेंगे, बेसिकली प्योर क्या चीज है, प्योर पढ़ने से दिमाग खुलता है, ठीक है, दिमाग खुलता है, खुलता नहीं खुलता, ग्रुप थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा, सीक्वेंस सीरीज पढ़ने से। जब हम किसी चीज को एब्स्ट्रैक्ट वे में देखते हैं तो हमारी सोच बदलती है, सोच बदलना ही तो चाहिए हमें। जैसी हमारी सोच बदलेगी, ऐसी हम नई नई प्रॉब्लम को सोचना चालू करेंगे, वही तो डेटा साइंस कहती है आपको नई नई प्रॉब्लम सोचनी है। तो आपको प्योर भी आनी चाहिए और अप्लाइड मैथमेटिक्स भी आनी चाहिए। एंट्रेंस टेस्ट होता है, कैसे प्रिपरेशन करी बता दी, बीएससी सेकंड ईयर वाले नहीं दे सकते, हमने प्रोग्रामिंग और कोडिंग नहीं पढ़ी। बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका एंट्रेंस क्वालिफाई तो कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं आपको बता दूं। आप ग्रुप में सीएमआई एंट्रेंस का सिलेबस भेज दीजिए। यस भेज दूंगा जी। इंटरव्यू होता है सब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस, बेटा इसमें सब्जेक्टिव भी होता है और मल्टीपल चॉइस भी होता है, दोनों ऑप्शन इसके अंदर। जो आप देखेंगे पेपर, आप गूगल पे सर्च करेंगे सीएमआई डेटा साइंस पेपर, तो आपको डेटा साइंस के पेपर मिल जाएंगे सीएमआई की साइट पर। उसके अंदर पेपर देखेंगे 2020, 21, 19 जो भी देखेंगे, सबके अंदर आपको मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों होता है, ठीक है ना। यस सर, मैं सर सीएमआई में डेटा साइंस का मिनिमम प्लेसमेंट कितने का है? देखिए मैं आपको बता दूं, सीएमआई से अगर आप प्लेसमेंट की बात करें तो 15 से 18 लाख से 40 लाख तक का प्लेसमेंट है, 15 लाख से 40 लाख तक का प्लेसमेंट है सीएमआई में। और मैं आपको बता दूं, सीएमआई से डेटा साइंस करने के बाद आपको आईआईटी से भी ज्यादा का प्लेसमेंट मिल सकता है, क्योंकि सीएमआई में गिनी चुनी कंपनी आती है, बड़ी बड़ी कंपनी आती है सीएमआई में, ठीक है। सीएमआई में बड़ी बड़ी कंपनी आती है, आईआईटी से भी ऊपर की कंपनी, आईआईटी में जो कंपनी आती है उसमें जो टॉप कंपनीज होती है फिल्टर होकर सीएमआई में जरूर जाती है, ठीक है। सीएमआई के स्टूडेंट जब आप बन जाओगे तो आपकी वैल्यू एक अलग हो जाएगी, आईआईटी से बहुत ऊंचा है, क्योंकि रिसर्च का इंस्टीट्यूट है सीएमआई, कोई छोटा मोटा इंस्टीट्यूट नहीं है, ठीक है। सर इंग्लिश में इंटरव्यू होता है या फिर हिंदी में? देखो ऐसा है, आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इंग्लिश में हिंदी में कुछ नहीं होता है, आप टेंशन वाली बात है ही नहीं कुछ भी, है ना। तो सीएमआई में एग्जाम के लिए एक साल ड्रॉप लेना गुड डिसीजन है क्या? यस, देखिए ऐसा है रोमी जी, जो सीएमआई में बिना एंट्रेंस कह रहा हूँ,
एक साल ड्रॉप, आप एक साल ड्रॉप ले लो, ये बताइए आप एक साल ड्रॉप लेना चाह रहे हैं, एक साल ड्रॉप लेना चाह रहे हैं। अगर आपको एक साल ड्रॉप लेके कोई अच्छा इंस्टीट्यूट मिल जाए तो क्या समस्या है? जिंदगी भर परेशान होने से तो बढ़िया है कि एक बार अच्छे इंस्टीट्यूट पढ़ लो, एक साल ड्रॉप लेके आप मेहनत कर लो, रोमित कोई दिक्कत नहीं है भाई, समझ रहे मेरी बात? आप ड्रॉप ले सकते हैं, आपका सिलेक्शन हो सकता है। देखिए बिना एंट्रेंस के टेस्ट के सीएमआई, बेटा यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है यहाँ पर कोई पैसा देके काम हो जाए। सीएमआई अभी आपको यही नहीं पता सीएमआई है क्या? सीएमआई वर्ल्ड का लीडिंग इंस्टीट्यूट है, कोई मजाक बात नहीं कर रहा हूं मैं, सीएमआई वर्ल्ड का लीडिंग इंस्टीट्यूट है, छोटा मोटा इंस्टीट्यूट नहीं है। कभी आईआईटी में बिना एंट्रेंस के जॉब, बिना एंट्रेंस के आपका एडमिशन हुआ है आईआईटी में? कभी आईआईटी में हो सकता है बिना एंट्रेंस के? वो तो आईआईटी का बाप है। सर आईआईटी जब कर रहे हो तो एमएससी होता है, तो फिर डेटा साइंस कब होता है? बेटा आईटी जेम से, आईटी जेम से एमएससी कर लो, या डेटा साइंस से एमएससी कर लो वहां से बीएससी के बाद, या एमएससी के बाद भी कर सकते हो। या अगर कोई बच्चा सीएमआई से डेटा साइंस नहीं करना चाहता, वो आईटी जेम से एमएससी करे और जो सीएमआई में सिलेबस पढ़ाते हैं वो सारा सिलेबस खुद पढ़ ले, या किसी से पढ़ ले, या कोई हेल्प ले ले किसी की, उसे डेटा साइंस की उतनी नॉलेज हो जाए जितनी सीएमआई वाले को होती है। वही तो मैं आपको कैरियर अपॉर्चुनिटी और कैरियर गाइडेंस में आपको बताता हूं। अगर आपको वो सारी नॉलेज आपको हो जाती है, अगर आप आईआईटी जैम में भी चले जाते हैं, जब भी आपका आईआईटी से टॉस्ट ड्रॉप प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है? क्या 2 महीने में प्रिपरेशन कर सकते हैं? यस, 2 महीने में प्रिपरेशन हो सकती है सीएमआई, कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन डू प्रिपरेशन। सी लैंग्वेज के लिए सबसे आसान बुक जो आज की तारीख में है वो है लेट अस सी, लेट अस सी, यशवंत कारनेतकर, यशवंत कारनेतकर किस लेट अस सी की बुक आती है, लेट अस सी, यशवंत कारनेतकर की बुक आती है सी लैंग्वेज की, आप वो ले सकते हो। सर मैंने सेकंड ईयर की स्टूडेंट हूं, मेरा अभी कॉलेज में एग्जाम चल रहा है, मैं मई से आईडीजन की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करूंगी, क्या मैं बहुत ज्यादा लेट हूं आईडीजन की प्रिपरेशन से क्या? यस, देखिए मैं आपको बता दूं कि आप अगर आईआईटी जैम की प्रिपरेशन कर रहे हो, देन आईआईटी जैम की प्रिपरेशन बच्चों ने जनवरी में ही चालू कर दी है। अब आप अपने यूनिवर्सिटी एंट्रेंस पे फोकस कर रहे हो, यूनिवर्सिटी एग्जाम पे फोकस कर, दैट इज योर जॉब, ठीक है ना? तो मैं आपको बता दूं, आपको आईआईटी जैम के लिए आप रियली में लेट हो, आप जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए। पर मैं आईआईटी जैम की थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ स्टूडेंट। अभी अगर आप देखेंगे तो अभी हमारा कल से मैंने एक नया लॉन्च कराया बैच, जो डी यू एस यू के लिए बैच 2 है, आप मुझे देख रहे हैं आशीष कुमार गर्ग, और कल 13 अप्रैल से मैं डी यू एस यू के लिए बैच पढ़ा रहा हूँ। 13 अप्रैल से रात 10:15 क्लास होने वाली है डी यू एस यू की, ठीक है? ठीक है, तो इसमें हम आपको स्टार्ट करेंगे ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, वेक्टर स्पेस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, हम इससे स्टार्ट करने वाले हैं कल। और ये हमारा कोर्स लॉन्च हो चुका है, कल से स्टार्ट हो रहा है DUBHU का। इसके अंदर IIT जैम वाले स्टूडेंट भी आ सकते हैं, मैं आपको बता दूं IIT जैम वाले कुछ अपना फाउंडेशन बनाने के लिए यहाँ से आ सकते हैं। आपकी इच्छा है, मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा, बट ये कोर्स IIT जैम वालों के लिए बहुत यूजफुल होगा, नंबर वन। नंबर टू मैं आपको बता दूं कि अभी 14 तारीख तक, 14 अप्रैल तक जो भी IIT जैम की तैयारी के लिए इच्छुक हैं, वो मेरा रेफरल कोड गर्गासीस लगा के प्लस सब्सक्रिप्शन ले लें। गर्गासीस जो है कैपिटल लेटर है, कैपिटल लेटर है, कोई स्पेस नहीं है। मैं आपको बता दूं 10% का ऑफर के साथ साथ अभी 12 मंथ के प्लस सब्सक्रिप्शन पर 2 मंथ का प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री, और 24 मंथ के प्लस सब्सक्रिप्शन पर 3 मंथ का फ्री मिल रहा है, ठीक है? 23% का ऑफ बनता है, 10% ये और 13% यहाँ से ऑफ, और ये 31% का ऑफ मिल रहा है। मतलब आप अभी तैयारी करना चाहते हैं अगर IIT जैम की, तो आज ही प्लस सब्सक्रिप्शन लें, या फिर आज 12 तारीख है, 12, 13, 14, 3 दिन बचे हैं, 3 दिन में अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, क्योंकि प्लस सब्सक्रिप्शन पे 10% के ऑफ के साथ साथ 2 महीने का प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री और 3 महीने का फ्री मिल रहा है, ठीक है? मेरी बात समझ में आ रही है? तो प्लस सब्सक्रिप्शन आज ही लें, और ध्यान रखें मेरा रेफरल कोड लगाना ना भूलें। मेरा रेफरल कोड लगाने के बेनिफिट्स हैं जो आपको पता लग जाएंगे, और
मेरा रेफरल कोड है गर्ग आशीष, जिसमें गर्ग और आशीष कैपिटल लेटर में, कोई स्पेस नहीं है। इसे लगाने से 10% का ऑफ, और जो अनअकैडमी ऑफ दे रही है ये भी ऑफ मिलेगा, ठीक है। इसके साथ साथ आपको फ्री कैरियर काउंसलिंग मिल रही है, फ्री कैरियर काउंसलिंग, ये CMI डेटा साइंस। IIT जैम में जाने के बाद भी आपको डेटा साइंस की मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया है प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में बता दिया है, अभी बता रहा हूँ मैं आपको। सेकंड बात ये है कि जो मैं 13 अप्रैल से बैच चालू कर रहा हूँ, इसमें IIT जैम वाले भी आ सकते हैं, IIT जैम वाले, मैथ्स वाले आ सकते हैं, ठीक है। उसी के साथ साथ मैं अभी जो कॉन्टिन्यूस कर रहा हूँ, जो मेरी कॉन्टिन्यूटी में कोर्स चल रहा है, मैं टिल 19 अप्रैल तक मैं, मेरा भी जो रियल एनालिसिस का कोर्स चल रहा है वही चलेगा। और आपको बता दूं 20 अप्रैल से 26 अप्रैल तक मैं पढ़ाने जा रहा हूं रीमान इंटीग्रेशन फॉर IIT एग्जाम, सही है। अभी सभी का जवाब दूंगा, रीमान इंटीग्रेशन फॉर IIT एग्जाम कब से पढ़ाने जा रहा हूं। मेरा ये कोर्स तो चल ही रहा है, रात को 9 बजे मेरा एक कोर्स और चलता है IIT एग्जाम मैथमेटिक्स के लिए, और मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स दोनों के लिए यूजफुल है। 19 अप्रैल तक तो चलाऊंगा जो मेरा अभी करंट में कोर्स चल रहा है, रियल एनालिसिस फॉर IITs है, रियल एनालिसिस का कोर्स चल रहा है। और 20 से 26 तक चलेगा हमारा रीमान इंटीग्रेशन, और 27 अप्रैल से, बिल्कुल ध्यान देना, ये तो मैं करा रहा हूँ फाउंडेशन, DU BHU में आसान आता है, DU BHU में आसान आता है ग्रुप थ्योरी। DU BHU के साथ साथ आपके साथ 27 अप्रैल से ग्रुप थ्योरी का नया कोर्स लॉन्च हो रहा है, जो IIT एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल है। तो आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं मेरे कोर्स को अटेंड करने के लिए। मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं, ऑल ओवर इंडिया में किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में, MSc लेवल में, जितनी ग्रुप थ्योरी पढ़ा दूंगा उससे बाहर पेपर नहीं आएगा। आपके कॉन्सेप्ट इतने स्ट्रांग हो जाएंगे ग्रुप थ्योरी में, जो सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है सबसे आसान टॉपिक लगेगा आपको ग्रुप थ्योरी। तो जो मेरा ग्रुप थ्योरी है वो स्टार्ट हो रहा है DU BHU के लिए 13 अप्रैल रात 10:15 बजे, और IIT एग्जाम के लिए 27 अप्रैल। आप 13 अप्रैल से भी ज्वाइन कर सकते हैं DU BHU वाले कोर्स में, IIT एग्जाम वाले, और 27 अप्रैल से तो आपको ज्वाइन करना ही है, जिससे आपके बेसिक और स्ट्रांग टॉपिक और सुपर स्ट्रांग बन जाएंगे, ठीक है। यस सर, आपन प्लीज सेपरेट कोर्स ले लीजिए CMI के लिए। रिया जी बेटा अभी हम बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं। यस 13 से स्टार्ट होगा सर। आई एम सेकंड ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, कैन आई एलिजिबल फॉर CMI? यस यू आर एलिजिबल, बट इन द फाइनल ईयर। अगर आप CMI की साइट पे जाके चेक करोगे तो CMI की साइट पे जाके आपको पता लग जाएगा, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि बीटेक वाले एलिजिबल हैं उसके अंदर। यस IITN वैभव जी सर, 1995 रैंक में OBC में IIT मिल सकती है, थोड़ा सा मुश्किल है। यस सर, हम MA वाला क्या आपका MS कोर्स देख सकते हैं अनअकैडमी में? यस आप देख सकते हैं बेटा, आप प्लस सब्सक्रिप्शन स्टूडेंट कोई भी कोर्स देख सकते हैं, आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स स्टैट कुछ भी देख सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। ज्वाइन का टाइमिंग मतलब सुशांत वैद्या जी, ज्वाइनिंग आप कर सकते हैं, इस कोर्स को एनरोल कीजिए, मेरा प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए, प्लस सब्सक्रिप्शन बाय यूजिंग दिस रेफरल कोड गर्ग आशीष कैपिटल, कोई स्पेस नहीं है, इंस्टेंट 10% डिस्काउंट, और जो भी ऑफर अभी अनअकैडमी दे रही है ये भी ऑफर आपको मिल रहे हैं, ठीक है। ये रेफरल कोड जरूर लगाना, गर्ग आशीष कैपिटल लेटर में, कोई स्पेस नहीं है। और फिर कल से हमारा DU BHU ज्वाइन कर लीजिए, और मैंने आपको टेलीग्राम का लिंक भी बता रखा है, ग्रुप बता रखा है, उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपको जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, जो भी लिंक है कोर्स के, सब आपको उसमें मैं फ्लॉट करता रहता हूँ डेली, ठीक है। तो इसे कल वाले बैच को ज्वाइन कर लीजिए, और 27 वाले बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे रियल एनालिसिस करनी है तो आप रियल एनालिसिस भी हमसे कर सकते हैं, ठीक है, रियल एनालिसिस भी कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने अभी तक IIT एग्जाम के लिए लीनियर अलजेब्रा, इंटीग्रल कैलकुलस और रियल एनालिसिस करा चुका हूँ। रियल एनालिसिस का ये आखिरी पड़ाव है 19 अप्रैल, उसके बाद 20 से 26 अप्रैल रीमान इंटीग्रेशन, ठीक है। इसे करने के बाद हमारे 3 टॉपिक कंप्लीट हैं। आप मेरा रिकॉर्डेड सेशन भी देख सकते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के बाद। रिकॉर्डिंग्स देखने के बाद आपको ऐसा ही फील आएगा जैसे लाइव में है, और बहुत बढ़िया आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यस क्या IIT मद्रास ऑनलाइन BSc डेटा साइंस प्रोग्राम प्लेसमेंट मिल जाती है? बेटा उसमें मिल जाती है, ऐसा नहीं है, वो कोर्स भी बहुत अच्छा कोर्स है, बट आपको देखना है कि कैसे आपको करना है, ठीक है। आपको ये देखना है कि कैसे करना है, कौन सा करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। यस
रैंक 3981 में एसटी में कोई मिल सकती है बेटा? एसटी में आपको मिल सकता है, एसटी में आप चेक कर लीजिए लास्ट ईयर की रैंकिंग के हिसाब से आपको चांस है, एसटी में मिल ही जाएगा एससी एसटी में। तो स्टूडेंट आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट, सभी को मेरी बात समझ में आ गई होगी डेटा साइंस के लिए। और जो ये कोर्स का प्लस सब्सक्रिप्शन है आईआईटी सैम का ले लो, 14 अप्रैल लास्ट डेट है, गर्ग आशीष रेफरल कोड है, गर्ग आशीष कैपिटल में, कोई स्पेस नहीं। सुशांत जी, सुशांत वैद्य, आपको डीयूएड का अगर स्टैट का करना है, स्टैट के लिए हम एक नया लेक्चर लेके आएंगे, तो आप हमारे नए लेक्चर का वेट कीजिए, हम उसमें आपको स्टैट के लिए डीयूएड के लिए पूरी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन बता देंगे, आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग टुडे सेशन डेटा साइंस सीएमआई। सीएमआई इज वन ऑफ द वंडरफुल इंस्टीट्यूट इन इंडिया एंड दिस इज वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड आल्सो, सो प्लीज प्रिपेयर सीएमआई डेटा साइंस इंस्टीड ऑफ डूइंग some data science course, diploma from some institute, okay?